तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप आए हुए हैं, ताज ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करते हैं। अगर मेरा सुझौआ को अगर मान लीजिएगा कहीं सौ के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। और मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। बाकी सबका सब यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करते हैं। अगर मेरा सुझौआ को अगर मान लीजिएगा कहीं सौ के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। और मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। बाकी सबका सब यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करें।